नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन जेके क्लासेस में। हमारे चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें ताकि सरकारी नौकरी की नई सूचना आपको सबसे पहले मिले। और देखिए, आज एग्जाम हुआ है CBSE बोर्ड का, मैट्रिक का। देखिए मैथ का क्वेश्चन पेपर कैसा आया हुआ है, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं मैट्रिक में। मैथ का क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, एक बच्चे से मैंने कलेक्ट कर लिया हुआ है। देखिए कैसे क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं मैट्रिक में CBSE बोर्ड में मैथमेटिक्स का। लाइन पे बने रहे, मैं एक एक चीज, एक एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको। आप देख लें कैसा क्वेश्चन पेपर पूछा गया है। बहुत ही टफ लेवल का क्वेश्चन आया हुआ है इस बार CBSE बोर्ड में। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिखा गया है मैथमेटिक्स। देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स गणित 3 घंटे का पेपर होता है और टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ये CBSE बोर्ड में 80 मार्क्स का क्वेश्चन होता है टोटल। चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन पेपर कैसा आया हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है सेक्शन ए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए दोनों लैंग्वेज में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है CBSE बोर्ड में, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी। देख लीजिए ये क्वेश्चन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है। देख लीजिए सेक्शन ए में क्वेश्चन 1 है, द्विघात समीकरण इतना का अभिविक्तर लिखिए, राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना। देख लीजिए ये क्वेश्चन कैसा पूछा गया है, नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है 1, 2, 6 के क्वेश्चन, 1 एक अंक का है। देख लीजिए 1 से 6 के प्रत्येक एक अंक का क्वेश्चन है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, 2 हो गया। चलिए और देखते हैं आगे क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3 आपको मैं दिखा रहा हूँ, लाइन पे बने रहे हमारे साथ। 1, 2 हो गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, 6 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 6। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इतना एंड इतना। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। देख लीजिए कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं एक एक चीज़ आपको स्लाइड करके दिखा दे रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिए बहुत ही टफ लेवल का क्वेश्चन इस बार आया हुआ है CBSE बोर्ड में। देख लीजिए आपको मैं दिखा दे रहा हूँ स्क्रीन पे, एक एक क्वेश्चन को स्लाइड करके आप देख लें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं CBSE बोर्ड में, जो आज एग्ज़ाम हुआ है मैट्रिक का 10th का। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। सेक्शन बी है यहाँ पे, 7वां नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन है, 9वें नंबर क्वेश्चन, HCF, LCM दिए निकालना है। देख लीजिए HCF दिया गया है, मान ज्ञात कीजिए N का वैल्यू निकालना है। देख लीजिए यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आया हुआ है। देख लीजिए एक एक क्वेश्चन में स्लाइड करके आपको दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, देखिए सेक्शन सी आ गया, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी इंग्लिश दोनों में, इसलिए मैं दोनों में बोल दे रहा हूँ आपको। देख लीजिए कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, 15, 16, क्वेश्चन नंबर 17, अपरिमेय संख्या दिया गया है, रूट थ्री का प्रूफ आपको निकालना है, रूट थ्री का रेशनल नंबर का प्रूफ दैट रूट थ्री इज अ इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, साइन ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू। देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। एक एक क्वेश्चन मैं आपको स्लाइड करके दिखा दे रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं आगे कैसा क्वेश्चन है। नंबरिंग अरेंजमेंट कर लीजिएगा, थोड़ा इधर उधर हो चुका है। देख लीजिएगा क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार का। बहुत लेवल टफ था क्वेश्चन का, देख लीजिए बहुत ही कम मार्क्स आएगा बच्चों का। देख लीजिए जो अच्छे से पढ़ाई किए होंगे उन्हीं का अच्छा मार्क्स आएगा, क्योंकि इस बार क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा टफ है। देख लीजिए ये क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं CBSE बोर्ड में, जो आज एग्ज़ाम हुआ है मैट्रिक में। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है। देख लीजिए ये क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं आते हैं दोस्तों। देख लीजिए मैट्रिक में CBSE बोर्ड में ओनली सब्जेक्टिव होते हैं, सभी को आपको बनाना पड़ता है, बना के ही आंसर दे सकते हैं। देख लीजिए मैंने इसका सैम्पल पेपर भी अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे, आप देख सकते हैं। देख लीजिए ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन नंबर 28, 29। देख लीजिए मैं एक एक चीज़ स्लाइड करके आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 30,
ठीक है दोस्तों, देख लीजिए मैंने पूरा क्वेश्चन आपको बता दिया, देख लीजिए आप एक एक क्वेश्चन मैं आपको स्लाइड करके दिखा दे रहा हूँ कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 24, 25, 26 ये मैंने दिखा दिया है, देख लीजिए ये भी मैंने दिखा दिया है, देख लीजिए कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार के सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में, मैट्रिक के क्या लेवल था क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 दिखा चुका हूँ मैं, देख लीजिए ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देख लीजिए दोस्तों ये क्वेश्चन का लेवल रहा इस बार का, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं मैट्रिक के सीबीएसई बोर्ड में, हिंदी इंग्लिश दोनों में अब से क्वेश्चन आने लगे हैं, ये पहले नहीं होता था, एक ही लैंग्वेज में क्वेश्चन रहता था, ये टोटल क्वेश्चन पेपर हो गया। ठीक है दोस्तों देख लीजिए मैंने सारा क्वेश्चन आपको दिखा दिया, टोटल क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देख लें अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो, नहीं दिया है तो भी आप देख लें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर अगले साल देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट का ये वीडियो है। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद, तब तक के लिए।